हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका, R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनाने वाले हैं। अधिकतर गेहूं के आटे से लोग पूड़ी, पराठे या रोटी ही बनाते हैं। इस नाश्ते को आप मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं। ये नाश्ता खाने के बाद मेहमान भी आपसे ये जरूर पूछेंगे कि कैसे बनाया ये नाश्ता। इस नाश्ते को आप बच्चों की छोटी मोटी पार्टी हो या कुछ गेट टुगेदर हो घर में, तो भी आप इस नाश्ते को बनाकर खिला सकते हैं। ये नाश्ता बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। नाश्ता जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। आप इस रेसिपी को किस शहर से देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, आइए इस नाश्ते को कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। जो मैंने गेहूं का आटा लिया ना, ये बिल्कुल फाइन पीसा हुआ है। आप कोई भी गेहूं का आटा ले सकते हैं जो आप घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम डाल लेते हैं एक बाउल में। अब इसमें कुछ हम मसाले डालेंगे। तो आधी चम्मच के करीबन डाल देते हैं हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे नमक, हल्का सा तीखापन लाने के लिए इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के करीबन लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब सारी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गेहूं के आटे से बने बहुत सारे नाश्ते की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन रेसिपी को जाकर ज़रूर देखिए और एंजॉय करिए। सभी लोगों ने बहुत पसंद की है वो रेसिपी। और यदि ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें से हम थोड़ा सा जो आटा है वो अलग निकाल कर रख लेंगे कटोरी में। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीबन ऑयल। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच के करीबन ही तेल डालना है, जिससे हमारा जो नाश्ता है ना वो अंदर से भी हल्का सा नरम रहे। तो तेल भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा जो है एकदम ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है। अब गेहूं के आटे की पूड़ी पराठे तो कई बार आपने बनाकर खाए होंगे। एक बार इस नाश्ते को बनाइएगा। बच्चों को कुछ टिफ़िन में नया रखना है तो बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाकर आते हैं। अधिकतर बच्चों की यही दिक्कत होती है ना कि बच्चे टिफ़िन पूरा फिनिश करके नहीं आते। तो आप इस नाश्ते को बनाकर रखिएगा बच्चों के टिफ़िन में, पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे बच्चे। देखिए, आटा लगकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक आटा सेट होता है, हम बढ़िया से एक आलू का मसाला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैश कर लिया मैंने और अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच के करीबन डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधे चम्मच के करीबन इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। ऑब्वियसली बच्चे तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, या आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं यदि आपके बच्चे थोड़ा बहुत तीखा खाते हैं तो। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीबन नमक, साथ ही में इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीबन चाट मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। फिर इसमें ऐड कर देते हैं हम 1/4 चम्मच के करीबन काली मिर्च पाउडर। यदि आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश काली मिर्च को दरदरा पीस कर भी ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो जीरे को हल्का सा भून कर रोस्ट करके उसे भी डाल सकते हैं। अब सारी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से चम्मच से हम आलू के बड़े टुकड़ों को भी मैश कर देंगे। जैसे कहीं कहीं रह जाते हैं ना, हम आलू को मैश करते हैं तो बड़े टुकड़े हैं ना, हमको नाश्ता बनाने में थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह से आलू को मैश कर लें। यदि आपको इस नाश्ते को सुबेरे बनाना है तो आप रात को ही आलू बॉयल करके रख लें तो नाश्ता जो है और जल्दी बन जाएगा। अब देखिए, 5 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं, आटे ने अच्छी तरह से रेस्ट भी कर लिया है। आटे को हम इस तरह से एक बार मसल कर स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेकर इसकी एक लोई बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना उस तरह से। तो थोड़ा सा आटा इसके ऊपर हम इस तरह से डस्ट कर लेंगे। अब इस तरह से हम रोटी की तरह इसे बेल लेते हैं। एकदम ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो मैंने इसे रोटी की तरह बेल कर तैयार कर लिया है। आप इसकी रोटी की थिकनेस भी देख सकते हैं, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब जो हमने आलू का मसाला बनाया था, उस आलू के मसाले को हम इस तरह से सेंटर में रखकर हल्का हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। जैसे हम डोसे में मसाला भरते ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें इसे मसाला भरकर रेडी करना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना तो आपको पहले से कोई तैयारी करनी है, ना ही घंटों खड़े रहकर इस नाश्ते को बनाना है। बहुत ही फटाफट से नाश्ता बनकर तैयार होता है। ये नाश्ता खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बहुत मज़े से खाएंगे।
आप चाहें तो आलू के मसाले में पनीर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, स्टफिंग का टेस्ट जो है ना और इन्हेंस हो जाता है। अब इस तरह से एक साइड से रोटी को उठाकर हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और मसाले के ऊपर हल्का सा प्रेस करके चिपका देंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा देंगे और रोटी के दूसरे साइड के हिस्से को भी उठाकर इस तरह से हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये आसानी से चिपक जाए। उसके किनारों पर भी पानी लगाकर इसे हम फोल्ड करके चिपका देंगे। तो दोनों साइड से हम इस तरह से किनारों पर पानी लगाकर इसे फोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए आटे से भी सारा नाश्ता रेडी करेंगे। अब जो हमने कटोरी में पहले आटा निकाल कर रखा था ना, उस आटे के अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीबन सफ़ेद तिल। आप चाहें तो काले तिल भी ऐड कर सकते हैं। तिल डालने से जो नाश्ता है ना लुकवाइज दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो भूख और बढ़ जाती है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीबन कॉर्नफ्लोर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल रेडी करेंगे। घोल एकदम ज़्यादा पतला नहीं रखना है और एकदम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो इस तरह से हम पहले थोड़ा पानी डालकर इसके अंदर के लम्स खत्म कर लेंगे, फिर घोल को जितना पतला या गाढ़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। तो आप यहाँ पर घोल की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, इसी तरह का घोल होना चाहिए। अब जो हमने नाश्ता बनाकर रखा ना, इसे हम कट करेंगे। तो आधा आधा इंच में इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को कट कर लेंगे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो के नीचे ना बेल आइकन रहेगा, आप उस बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करें तो मैं जो भी रेसिपी डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सारे नाश्ते को मैंने कट करके इस तरह से रेडी कर लिया है। जब मैं नाश्ता बना रही थी उसी बीच मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म भी हो गया है। अब जो हमने घोल बनाकर रेडी किया था उसके अंदर हम इस तरह से नाश्ते का एक पीस डालेंगे और उसे अच्छी तरह से घोल में कवर करेंगे। इस तरह से पूरे घोल से हम इसे कोट कर देंगे और इस नाश्ते को उठाकर हम इस तरह से गर्म तेल के अंदर डालेंगे। जब हम नाश्ते को इस तरह से घोल में से बाहर निकालें ना, तो फोक का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो बाउल के अंदर ही चला जाएगा। एक एक नाश्ते को इस तरह से हम गर्म तेल के अंदर डालते जाएंगे और थोड़ी सी दूरी दूरी पर डालिए ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। और लो से मीडियम फ्लेम पर इन्हें हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई बिल्कुल नहीं करिए, नहीं तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। अब इन्हें हम एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं, उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। तो ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम पलट देते हैं। और इसी तरह से इन्हें पलटते हुए हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से पलटते हुए फ्राई कर लिया। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही डिलीशियस दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो है ना कितना टेस्टी यम्मी गेहूं के आटे से बना हुआ डिलीशियस नाश्ता, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है ना। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाकर खाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।